ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जय शिव शंभो जब कभी भी किसी भी जातक का ग्रह खराब होते हैं तो हर ग्रहों का कोई ना कोई दान होता है और वो दान करने से हमारे ग्रहों में जितनी सारी नकारात्मकता होती उसे हम हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं लेकिन अगर आज हम आपको पांच महादान बताएं महापुण्यात्मक दान बताएं जो दान करने से आपकी कुंडली के नौ के नौ ग्रह मजबूत होंगे साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में कोई नकारात्मक प्रभाव है कोई दोष है काल सर्प दोष है मंगल दोष है राहु का दोष है केतु का दोष है किसी भी ग्रह का अगर दोष है तो वो दोष भी हमेशा के लिए खत्म होगा और उस दोष की वजह से जो जीवन में परेशानियां हमारी बढ़ती रहती है कि कोई काम नहीं होते विवाह शादी दाम्पत्य जीवन के हर एक पहलू पर इतने सारी परेशानियां हमें झेलना पड़ती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है उन सभी से भी आप हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इन पांच दान से ये पांच दान आपकी राशि के जातक को अवश्य रूप से करना ही चाहिए और जिन भी जातकों को मैंने यह पांच दान बताने का सही तरीका बताया और उन्होंने अगर ये दान किया है डेफिनेटली दोस्तों उनमें सभी को बहुत हद तक फ़ायदा मिला है और आपको भी ज़रूर ज़रूर फायदा मिलेगा अब यह पूरा विस्तार से जानने के लिए एक एक बात को बहुत आसानी से समझें और मेरी बातों पर गौर करें एक निवेदन है कि यहां तक आप वीडियो को सुनते आए हैं कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिख दीजिए इस इस बहाने अवसर को हम शिव अवसर घोषित होगा और इस बहाने हम ईश्वर का नाम ले पाएंगे तो हर हर महादेव जय शिव शंभो जो भी भगवान भोलेनाथ का यूनिक नाम आप लिखना चाहे कमेंट्स में जरूर लिखें वीडियो लाइक करें या ना करें चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें लेकिन कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम जरूर से लिखे हैं अब आते हैं मूल रूप से कि कौन से दान जो पांच महादान है और उनको ग्रहों से कैसे हम कनेक्ट करते हैं यह भी आप समझेंगे बहुत बारीकी से सबसे पहला और ओचक जो दान होता है वो होता है अन्नपूर्णा का दान अन्नपूर्णा का दान करने से बृहस्पति शुक्र राहु और सूर्य इन चारों ग्रहों को बल प्राप्त होता है अब अन्नपूर्णा का दान कैसे करना है इसे थोड़ा टेक्निकल हमें समझना चाहिए सबसे पहले जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न खिलाना अब अन्य जरूरतमंद व्यक्ति को खिलाएं ऐसे लोगों जो लोग मांग रहे हैं वो नहीं आप खुद ऑब्जर्वेशन करें समझे जहां आपको लगे कि यहां अन्न डोनेट करना चाहिए निस्वार्थ भाव से किसी भी लालसा से नहीं कि कोई हम पुण्य कर रहे हैं या कोई अच्छा काम कोई नहीं ये हमारी ड्यूटी है जब ये भाव से आप अन्न का दान करेंगे तब वो अन्नपूर्णा का दान कहलाएगा दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को आप जो आपसे यथाशक्ति श्रद्धा बन पाए जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करें जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा डोनेट करें आपकी यथाशक्ति जो भी आप खिला पाए आपको लगे चाहे वो जल हो पानी हो जो अन्न हो अनाज कुछ भी जरूर खिलाए ये दान करने से सूर्य शुक्र ये ग्रह स्वाभाविक रूप से मजबूत होते हैं और बहुत डोनेट आप जितने बड़े बड़े लोग हैं आप उनके लाइफ के पीछे एक बहुत जरूर चीज़ें देखेंगे कि हमेशा वो अन्नदान को बहुत बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाते हैं उसके पीछे ही कारण ये है कि उनके जितने सारे ग्रह हैं उन्हें पुश करते हैं दूसरा दान होता है वैचारिक दान कई बार हम धन से पीछे हो सकते हैं कई बार हम आर्थिक रूप से पीछे होते हैं कई बार हम अनाज नहीं दे पाते कुछ मदद नहीं कर पाते लेकिन हम किसी व्यक्ति के विचारों को बदल सकते हैं अच्छी बात कहकर न कि डीमोटिवेट कहकर खराब अभद्र बात कहकर देखा होगा बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं जो नकारात्मक बात करते हैं जो आपको आ, हम बातों से आपके दिमाग और मस्तिष्क को ठेस पहुँचाते हैं आपका मनोबल गिराते हैं ये एक बहुत बड़ा पाप है दोस्तों इसलिए अगर जब कुछ नहीं दे पाए तो विचारों का दान करें विचारों का दान अपने आप में बहुत बड़ा दान होता है इसलिए आप अपनी शक्ति से, से अगर किसी व्यक्ति को सही सजेशन देने में काबिल हैं तो जरूर दें दोस्तों निस्वार्थ भाव से दे ये मदद अपने आप में बहुत बड़ी मदद होती है दोस्तों तीसरा जो दान है निर आश्रित लोगों की मदद चाहे वो पक्षी हो पशु हो इंसान हो जैसे आजकल बुजुर्गों जैसे आजकल दिव्यांग बहुत से ऐसे जातक आपके मित्र भी हो सकते हैं कोई भी व्यक्ति जो निर आश्रित हो गया हो जिसके ऊपर से उसके माता पिता का साया या परिवार का साया या कुछ ऐसी कंडीशनें बनी है कि वो निराश्रित हो गया तो ऐसे जातकों की ऐसे लोगों की आप मदद करें आप आगे रहकर मदद करें आपसे जो यथाशक्ति बन पाए मदद करे चाहे वो पशु हो पक्षी हो गाय हो या कोई पक्षी हो कुछ भी हो जरूर उनकी हेल्प करें जब आप उनकी हेल्प करेंगे चाहे वो दवाई से हो सकती चाहे वो पानी पिलाना खाना हो सकता है या रहने की व्यवस्था हो सकती है या उनकी किसी भी विषय को लेकर आप हेल्प कर सकते हैं हेल्प एक बहुत बड़ा दायरा है जब आप करेंगे आपका राहु मजबूत होगा क्योंकि राहु निराश्रित लोगों की मदद करने से ही मजबूत होता है आप चाहे कितने प्रयोग कर लें आपको राहू कुछ वक्त के लिए पॉजिटिव साइन देगा लेकिन मूल रूप से राहू बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा जब आप निराश्रित लोगों की मदद करेंगे तो ये दान अवश्य रूप से करें पाँचवा दान है अपने जप का दान अब जब का दान हम किसी को किसी व्यक्ति को नहीं कर सकते सबसे पहले जब हमको स्वयं करना होते हैं और किसी व्यक्ति की मदद के लिए अपने जब की तुलना में तुलना जब की नहीं हो सकती लेकिन हम लाखों जब करें और ईश्वर से कहें जब आप जब करेंगे तो आपका सिक्स सेंस जागृत होगा जब आप जब करेंगे तो ईश्वर की आप पर अलग अनुकंपा होगी तो एक प्रकार से जब जो है हमारी फिक्स डिपॉजिट होते हैं जब जब करते हैं तो किसी के लिए अगर आप दुआएं करेंगे हेल्पिंग के लिए दुआ जरूर कबूल होगी आपकी तो वो जब से ही पावर होगा तो उसे जब दान भी मैं अपनी भाषा में कहता हूं तो उसके लिए आपको बहुत से जब करना होगा फिर उसके बाद उन जब को किसी अच्छे काम के लिए आपको दुआ करनी होगी भगवान से प्रेयर करनी होगी प्रार्थना करनी होगी और वो काम जरूर सफल होगा पांचवा और मूल रूप से दान ये हमेशा याद रखना दोस्तों कि कुछ भी हो जाए मन में घृणा किसी के लिए नहीं लाना है कुछ भी हो जाए हमें खुद को नेगेटिव नहीं करना ये खुद के प्रति कुछ संवेदनाएं हैं जो आपको हमेशा रखनी है यह चीज रखने से आपका केतु खराब होता है और जहाँ जिस व्यक्ति का केतु खराब होता है जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल शुरू हो जाता है तो ये बहुत टेक्निकल और बहुत बड़ी बात मैंने आपसे शेयर की है अब एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वर्तमान आप जीवन में कोई तकलीफ परेशानी से जूझ रहे हैं बहुत दिनों से तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमारी आपकी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं जन्म तारीख जन्म समय बताएं और जो भी आपके प्रश्न हो जो आप जानना चाहते हैं हमसे पूछ सकते हैं जो भी मुझसे मदद हो पाएगी जरूर हूँ इसके साथ ही साथ दोस्तों हमारे पास है अभिमंत्रित रुद्राक्ष अभिमंत्रित रुद्राक्ष में ग्यारह लाख महामृत्युंजय मंत्र जब उस रुद्राक्ष के लिए किए हुए हैं वह रुद्राक्ष है अगर आप चाहते हैं उस रुद्राक्ष को पहनना तो वो भी हमसे आप मंगवा सकते हैं थोड़ा महंगा है लेकिन उसकी जो है